हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेलिसेंट क्लब व्लॉग्स। आज मैं जिन ईयरिंग्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, वो आप विदाउट पियर्सिंग भी पहन सकते हैं बहुत ही इजी वे में। ये सारे ईयरिंग्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, जो पियर्सिंग के बग़ैर भी आप पहन सकते हैं। तो मेरे पास कुछ कलेक्शन है ये विदाउट पियर्सिंग ईयरिंग्स का, जो आप नीचे ऊपर जहाँ भी कार्टिलेज में कहीं भी ट्राई कर सकते हैं इसको। तो आज मैं वही स्टाइल आपको पहन कर दिखाऊंगी। आई नो कि ये वाले इयररिंग्स पहले बहुत चलते थे, अब इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जब से पियर्सिंग का काफ़ी ट्रेंड चला है तो ये वाले इयररिंग्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो गए हैं। इनका एक फ़ायदा तो ये है कि ये पूरा कान भी कवर कर लेता है आपका, ऊपर तक जाता है, और आपकी पियर्सिंग्स को भी इतना ज़्यादा जो लोग नहीं करवा सकते पेन की वजह से, जिनको काफ़ी डर लगता है पियर्सिंग के लिए, तो उनके लिए ये बेस्ट ज्वेलरी है। वो इसको पहन भी सकते हैं और इनका पियर्सिंग वाला लुक भी आ सकता है। एक्चुअली इसको एयर कफ्स कहते हैं, जो कि ऊपर जाके ये हमारे कान के अंदर एज अ कफ होल्ड कर लेता है, तो फिर ये डिसबैलेंस नहीं होता और ना ही गिरता है, तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। यहाँ पर मेरे पास कुछ न्यू स्टाइल के इयररिंग्स हैं, जो कि लोअर लो पियर्सिंग जो एक हुई हुई होती है, वो तो अक्सर हम सबकी बचपन में ही हो जाती है, तो उसके अंदर पहनकर और ऊपर इसको कवर करने वाला होता है ये। आई डोंट नो मैं इसको आपको किस तरह से एक्सप्लेन करूं, जब मैं पहन के दिखाती हूं आगे वीडियो में, तो इसी वजह से वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारे इयररिंग्स और सारे स्टाइल्स में बताऊंगी पहनकर। सो फर्स्ट यहां पर मैं सिल्वर कलर में एयर कफ्स ट्राई कर रही हूं। मेरे लोअर लोब में डबल लोब हुए हुए हैं पियर्सिंग्स, तो मैं नीचे वाले में ही पहनूंगी जो मेरा बचपन का हुआ हुआ है। सो वैसे भी डबल लोब पियर्सिंग हर किसी के कान में नहीं होती, तो इसी वजह से मैं कैजुअल पियर्सिंग बता रही हूँ, जो हर किसी के कान में हुई भी होती है और बिल्कुल ईजी है इसको पहनना, और ये लुक भी कितना ज़्यादा ब्यूटिफुल होता है। यू कैन सी दैट, मतलब एयर का बिल्कुल ही डिज़ाइन ही चेंज हो गया है। मुझे नहीं लगता कि मेरी पियर्सिंग्स के अलावा भी ये सब अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा लुक दे रहा है। यहाँ पर मैं वही इयररिंग बता रही हूँ आपको पहनकर, जो मैंने शुरू में कहा था कि कुछ वियर्ड सा है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये क्या है और किस तरह से पहनना है इसको, तो मैं आपको पहनकर ही बता रही हूँ। इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसमें कॉन्च पियर्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये वैसे ही इतना बीच में, यानी कि इसका डिज़ाइन है तो पूरे कान को कवर कर लेता है, और जहाँ हमारी कॉन्च पियर्सिंग होती है उसको पूरा कवर कर लेता है। आप चाहें तो उसको आगे की साइड पे करके पहन लें, आप चाहें तो उसको, अगर आपकी सेकंड पियर्सिंग हुई हुई है यानी कि अपर लोब वाली, तो उसके अंदर भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी दैट, जिस तरह से मैंने ट्राई करा है, इसको इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करके भी पहन सकते हैं और उसको थोड़ा पीछे करके भी पहन सकते हैं। अगर आपको साइड कार्टिलेज हुआ हुआ है आपके पियर्सिंग, तो आप इसको इंडस्ट्रियल बार की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एक साइड पर इसी तरह से पहनकर दूसरे साइड से ये बाहर निकाल लें, तो ये बिल्कुल इंडस्ट्रियल बार वाला लुक देगा। ये है सेकंड वन, ये सिल्वर कलर में है, वो मैंने गोल्डन में ट्राई किया था, तो मैं आपको दोनों कलर्स में ही ट्राई करके बता रही हूँ कि किस तरह का लुक आएगा। इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो एज़ लुकिंग लाइक अ डार्थ पियर्सिंग, सो यू कैन सी दैट, ऐसा लग रहा है मेरे डार्थ पियर्सिंग करवाई हुई है। ये वाले भी जो टॉप्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको भी आप विदाउट पियर्सिंग पहन सकते हैं, बल्कि इसमें तो अगर आपकी फ़र्स्ट पियर्सिंग जो बचपन में होती है वो भी ना हो, तो उस पर भी आप पहन सकते हैं, और इसको नीचे के बजाय आप ऊपर कार्टिलेज वगैरह में भी ट्राई कर सकते हैं।
ये थोड़ा इंडियन स्टाइल एयरिंग है। अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये है कि आप इसको नोज़ में भी पहन सकते हैं, जो इंडियन स्टाइल थोड़ी नोज़ नथनी टाइप चलती है, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट से। सो दिस इज़ काइंड ऑफ इंडियन वैरायटी ज्वेलरी, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है शरारे वगैरह के साथ। और अगर आपकी पियर्सिंग नहीं हुई भी, आपको ऐसे ही थोड़ा सा लुक देना है पियर्सिंग वाला, तो आप इसको कार्टिलेज में भी पहन सकते हैं, और आपको नोज़ में पहनने का शौक़ है तो आप नोज़ में भी पहन सकते हैं, तो एज़ यू विश। ये भी एक्चुअली इसी तरह का है कि ये भी नोज़ में पहन सकते हैं और एयर में पहन सकते हैं, तो मैं एयर में पहनती हूँ, मुझे नोज़ में ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और आप देख सकते हैं कि अगर आपकी पियर्सिंग नहीं भी हुई तो आप अपने एयर को काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और ट्रेंड ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं। ये वाला स्टाइल मैंने आपको ऊपर और नीचे भी एक्सचेंज करके दिखा दिया है कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर पहन के कैसा लग रहा है। अगर आपको ऊपर बड़ा अच्छा लगता है तो आप ऊपर बड़ा पहन लीजिए, अगर आपको कोई भी छोटा अच्छा लगता है तो छोटा जो पहले दिखाया था उसमें से पहन ले, एज यू विश। ये वाला इयररिंग एक्चुअली एयर क्राउन स्टाइल का है, ये इसको कार्टिलेज में या साइड में पहने तो इतना ब्यूटीफुल लुक आता है। सो दैट्स द लुक, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। ये बिल्कुल डिफरेंट लुक है इसका। यहाँ पर मैं ये वाला हूप ट्राई कर रही हूँ जो आजकल बहुत ट्रेंडी चल रहा है, जो पियर्सिंग ना होने की वजह से भी ऐसे ही पहन सकते हैं इसको, तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये मैं आपको विदाउट पियर्सिंग पहन के दिखा रही हूँ। ये सारी ज्वेलरी और ये वीडियो का मेरा मकसद ये है कि जिनके पियर्सिंग नहीं हुई हुई और जो बहुत सैड फील करते हैं कि हमारे पियर्सिंग नहीं हुई हुई हमें अच्छी लगती है, तो उसके लिए ये सारी ज्वेलरी ट्राई करके दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पियर्सिंग नहीं हुई हुई या आपके पेरेंट्स करवाने नहीं दे रहे, तो इसके लिए बिल्कुल भी सैड मत होइए। आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है कि आप पियर्सिंग की तकलीफ़ें उठाएं उसके बाद ही आप कुछ अच्छा पहने, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप विदाउट पेन, विदाउट पियर्सिंग भी आप ये सब ज्वेलरी पहन सकते हैं। सो आप लोग खुश हो जाएं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके मैंने ये वीडियो आपके लिए अच्छी बनाई है या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन। इसी टाइप की हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी।